क्रिकेट ये तो लड़कों का खेल है, फुटबॉल वो भी लड़कों का खेल है, तो फिर लड़कियों का खेल है कौन सा? खो खो तो करवा दो फिर उसका वर्ल्ड कप, या फिर ओलंपिक्स में डलवा दो। क्रिकेट कब से खेल रही हैं आप माहम? 2011 में मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी, 5-6 ईयर्स ओल्ड। मैं लड़कों के साथ गली में क्रिकेट खेलती थी, मेरे कजन्स भी होते थे, गली के जितने लड़के होते थे, भाई वगैरह सबके साथ। बड़े लड़के होते थे या आपकी एज के ही होते थे? कुछ मेरी एज के होते थे, लेकिन ज़्यादा लड़के बड़े होते थे, और काफ़ी अच्छा मज़ा आता था। वो फीलिंग बहुत डिफरेंट होती थी, मैं अभी भी कहीं ना कहीं वो चीज़ मिस करती हूँ। और आपके घर वालों का कैसा रवैया था जब आप गली में लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती थी? जब तक छोटी थी इतनी ज़्यादा एज नहीं थी, लाइक 10-11 साल तक, तब इतना कोई इशू होता नहीं था लड़कों के साथ खेलने में। लेकिन ऑब्वियसली जब बड़ी होती गई तो इशू होने लगा। मेरा गली में खेलना बंद करवा दिया था कि ये बड़ी होगी, स्पेशली दादी को काफ़ी मसला था कि नहीं अब ये बड़ी होगी, ये लड़के बड़े हैं और लोग अच्छा नहीं समझते, और जो नेबर्स हैं वो बातें करते हैं कि ये इतनी बड़ी हो गई है और हमारी बेटियाँ तो घर में रहती हैं, अब तो ये क्यों क्रिकेट खेल रही है, इसका बंद करवा देना चाहिए ये वो। तो खैर वो सारी बातें सुन के मेरा भी क्रिकेट खेलना खैर बंद हो गया। फिर वो एक काफ़ी डिप्रेसिंग था मेरे लिए, क्योंकि मुझे आदत थी, मुझे बहुत शौक़ था, मेरी एक रूटीन सेट हुई हुई थी बचपन से कि मैंने स्कूल से आते ही मैंने क्रिकेट खेलनी ही खेलनी है। तो मुझे याद है कि मैं ऊपर गेट के चढ़ के लड़कों को खेलते हुए देखती थी जो मेरे साथ खेलते थे, तो वो मुझे काफ़ी बुली करते थे कि तुम्हारी तो क्रिकेट बंद हो गई है, अब तो तुम खेल नहीं सकती, तुम बस उधर से ही ना देखो। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा मैं खेलूँगी और तुम देखना, मैं ज़रूर खेलूँगी, ये सिर्फ कुछ दिन की बात है और मैं बड़ी क्रिकेट खेलूंगी। उसके बाद मुझे एक एकेडमी का पता चला जहाँ पे प्रॉपर सब लड़कियाँ होती हैं और इन्वायरमेंट ही लड़कियों वाला, तो आई गेस कॉन्सेप्ट ये था कि लड़कों के साथ क्यों क्रिकेट खेल रही है, बड़ी हो गई है। तो जब मैंने लड़कियों के साथ क्रिकेट खेलना स्टार्ट की तो फिर चीज़ें लाइक मैनेज होना शुरू हो गई। फिर दादी ने एक्सेप्ट कर लिया कि क्रिकेट खेलना है लेकिन लड़कियों के साथ, लड़कियों के साथ खेलना है, इस तरह गली में नहीं खेलना क्योंकि लोग बातें करते हैं। अच्छा, तो उनको लोगों की बातों से ज़्यादा दादी बहुत अफेक्ट होती थी, लेकिन अगर आप किसी एकेडमी में लोगों से दूर खेल रही हैं सिर्फ लड़कियों के साथ तो इट वाज एक्सेप्टेबल, राइट? अच्छा, तो फिर एकेडमी में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? एकेडमी में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं रॉ थी, तो मेरे दिमाग में यही था कि मैं ग्राउंड जाऊंगी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा टीम में, इस तरह का मेरे दिमाग में चल रहा था। लेकिन जब मैं वहाँ पर गई तो पूरा लाइक इन्वायरमेंट बहुत डिफरेंट था, बहुत प्रोफेशनलिज्म था वहाँ पे। और क्रिकेट ग्राउंड में जब आप पहली दफ़ा आपने कदम रखा तो कैसी फीलिंग आई थी? मज़े की बात यह कि जो एकेडमी जिस जगह पे लगी थी वो नेशनल स्टेडियम था, तो मैंने सिर्फ टीवी पे ही देखा था स्टेडियम, मैंने असल में कभी देखा नहीं था। इट वॉज फॉर मी अ ड्रीम कमिंग ट्रू, तो एक काफ़ी अमेजिंग फीलिंग थी, मैं बता भी नहीं सकती। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी शायद कभी नहीं हुई, इनफैक्ट अपने डेब्यू पे भी नहीं हुई थी। जब मैंने वो क्रिकेट का ग्राउंड देखा वो जगह ही डिफरेंट थी, क्योंकि गली से उठ के जाके प्रॉपर जगह पे क्रिकेट खेलना ये एक प्लेयर के लिए एक बहुत डिफरेंट फीलिंग होती है। आपकी सिलेक्शन कैसे हुई पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट टीम में? ये एक पूरा प्रोसेस होता है, पूरा डोमेस्टिक प्रोसेस होता है। आपको टूर्नामेंट्स खेलने पड़ते हैं, पहले अंडर 19 लेवल होता है, फिर सीनियर चैम्पियनशिप होती है, फिर पाकिस्तान कैंप लगता है, देन इट्स पाकिस्तान टीम। तो आपको कंसिस्टेंटली उन तीनों चीज़ों में आपकी परफॉर्मेंस लाइक को एक्स्ट्रॉर्डिनरी होना पड़ता है पाकिस्तान टीम तक आने के लिए। अंडर 19 लेवल से मैंने स्टार्ट किया था, तो हमारा मैच था लाहौर रीजन से, तो उसमें मैंने लाइक 3 विकेट्स लिए थे। वो मेरा पहला वुमेन ऑफ द मैच था जो मुझे मिला था, एंड दैट वाज क्वाइट मेरे लिए काफ़ी एक बड़ी चीज़ थी, क्योंकि सारे पीसीबी के सेलेक्टर्स आए हुए थे, तो आप काफ़ी ज़्यादा नज़रों में आते हो अगर आप इस तरह की कोई परफॉर्मेंस दो अंडर 19 लेवल पे, तो वहाँ से आपको वो लोग पिक करते हैं फॉर सीनियर लेवल। उसके बाद पाकिस्तान कैंप में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन 8 मैचेस मैंने 14 विकेट्स लिए थे, तो लाइक सेलेक्टर्स भी काफ़ी इम्प्रेस हुए थे, और लाइक उस टाइम लड़कियों की क्रिकेट में हमारे यहाँ इतना बाउंसर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और मुझे शुरू से ही लाइक तेज़ बॉलिंग करने का, बाउंसर्स मारने का, मैं शुरू से अग्रेसिव रही हूँ, तो मुझे बहुत शौक़ था। तो लाइक मैंने बाउंसर्स वगैरह मारे, वो लोग काफ़ी इंप्रेस हुए, लड़कियों के एक दो के हेलमेट पे भी बॉल लगता था, तो वो लोग देखते थे कि यार नहीं ये कुछ डिफरेंट कर रही है। तो फिर इस तरह मेरा फर्स्ट टाइम सिलेक्शन हुआ था फॉर ऑस्ट्रेलिया टूर। और ऑस्ट्रेलिया जाके कैसा लगा पहली दफ़ा? वो तो एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग थी, थोड़ा इमोशनल भी था मेरे लिए, क्योंकि लाइक काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस दिए थे मैंने, क्योंकि मुझे याद है मैं जिस ग्राउंड में ट्रेन करती थी वो ग्रासी नहीं था, लाइक बिल्कुल मट्टी वाला ग्राउंड था वो। तो मुझे याद है
कि इतनी ज़्यादा पेन होती थी मेरी शिन में कि मैं रात को उठ के अचानक दर्द से रोने लगती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती थी। खैर मैंने उधर ट्रेन किया, फिर लोगों की बातें, फिर लड़के जज करते थे कि यार लड़की के साथ नहीं खेलना हमने, इसके बाद प्रैक्टिस नहीं करनी। तो फिर मैं अलग नेट पर मेरे कोच मुझे बॉलिंग की प्रैक्टिस करवाते थे। तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया पहुँची और मेरा डेब्यू हुआ, फाइनली मैंने पाकिस्तान की जर्जी पहनी, तो वो बहुत ही डिफरेंट फीलिंग थी। खैर पहला मैच था हमारा और मैंने एलेक्स ब्लैकवेल की विकेट ली थी, जो उनकी काफ़ी सीनियर प्लेयर है, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। पूरे ग्राउंड में वह जंपिंग और खुशी से मैं पागल हो गई थी। तो मेरे पास एक सीनियर प्लेयर आई, उन्होंने बोला अभी मैच बाकी है, थोड़ा कंट्रोल करो अपने एक्साइटमेंट को तुम। तो वो एक काफ़ी एक मेमोरी है मेरी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी टफ टीम है और वो लोग लाइक काफ़ी हिट आउट करते हैं, तो मुश्किल हो जाता है एज अ बॉलर उन्हें बॉल करना, दिमाग से करनी पड़ती है काफ़ी बॉलिंग। और ऑस्ट्रेलियंस टेक देयर क्रिकेट वेरी सीरियसली, या वो लोग बहुत प्रोफेशनल हैं, लाइक हर चीज़ में, उठने में बैठने में उनका प्रोफेशनलिज्म नज़र आता है। तो वो टूर काफ़ी टफ था हमारे लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हमने काफ़ी टफ टाइम दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसी फर्स्ट टूर पर मेरे दोनों फॉर्मेट्स में मेरे डेब्यू हो गए थे। महम, अभी आपने मुझे कहा कि लड़के आपके साथ नहीं खेलते थे, तो आप मुझे कोई इंसिडेंट बता सकती हैं जब ऐसा हुआ हो कि लड़कों ने कहा हो कि नहीं ये लड़की हम नहीं खेल रहे इसके साथ प्रोफेशनली? एक ऐसा टूर्नामेंट था, KCCA टूर्नामेंट, रमज़ान का टूर्नामेंट था, वो मैंने ऑफिशियली परमिशन लेके खेला था स्पेशली मेरे क्लब की टीम से। तो लड़कों की टीम से मैच था और मैं एक ही लड़की थी अपने क्लब से जो खेल रही थी। तो जो दूसरी टीम के लड़के थे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि यार ये लड़की क्यों खेल रही है। तो मैच स्टार्ट होने से पहले दे वर लाइक के क्या बॉलिंग करेगी ये लड़की, ऐसे तो हम इतना मारेंगे एक ही ओवर में, इतने छक्के इतने चौके। तो खैर मैंने जब बॉलिंग कराई तो मैंने उनके अगेंस्ट 3 आउट कर दिए, तो उनमें मैंने एक लड़के को आउट किया था। मुझे नेक्स्ट डे पता चला कि जैसे मैंने आउट किया उसने अपना पूरा किट बैग जला दिया, लाइक उसे आग लगा दी और उसने क्रिकेट ही छोड़ दी। उसके बाद उस लड़के ने क्रिकेट को हाथ नहीं लगाया, उसने सोचा लड़की से छक्के मारूंगा मैं और वो फिर लड़की से आउट हो गया। अच्छा महम, अक्सर सुनने में आता है कि कभी कभार लड़कियों को थ्रेट्स भी मिलती हैं क्रिकेट में, इज दैट ट्रू? एक इंसिडेंट हुआ था, हमारा लाहौर में कैंप लगा हुआ था, तो बहुत सेफ जगह, लाइक प्रॉपर हर जगह से वो सिक्योर है, तो उधर अंदर से ही ग्राउंड का रास्ता जाता है। तो हम लोग उस ग्राउंड में मैच खेले थे, हमारा सिलेक्शन मैच था। तो हम लोग एक टीम बैटिंग करी थी, दूसरी टीम बॉलिंग करी थी, बाकी लड़कियां हम लोग बाहर बैठे हुए मैच देख रहे थे। तो एक लड़की आई, उसने हम सबको बुलाया कि यार टीम मीटिंग करनी है, जल्दी से सारे एक जगह पर आ जाओ ना। तो हमने एक सर्कल बनाया, तो उसने ये बात बोली कि अपने अपने बैग्स लेके अपने अपने रूम्स में एक एक करके जाते रहो, क्योंकि बहुत सीरियस थ्रेट है ये कि लड़कियां अगर यहाँ पे दोबारा खेला तो हम लोग लाइक कर देंगे कुछ, लाइक नुकसान पहुंचा सकते हैं, लाइक डेंजरस है। तो हम लोग ने जल्दी जल्दी अपने बैग्स उठाए और हम लोग वापस चले गए थे। तो ये थ्रेट थी। पहले तो आपने फैमिली को टैकल किया, फिर आपने सोसाइटी को टैकल किया और फिर सिक्योरिटी जी। फिर नेक्स्ट आपका कब इंटरनेशनल एक्सपोजर हुआ वापस? ये स्पेशली कॉल आई थी कि आपकी कल की फ़्लाइट है इंग्लैंड की और वहाँ पे लाइक आपकी ज़रूरत है, तो आप अपना सारा सामान पैक कर लें और आपकी कल की फ़्लाइट है, ये टाइम हम आपको बता देंगे। खैर मैं इंग्लैंड गई, वहाँ पे वो मेरा ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के बाद कोई मैं इंटरनेशनल मैच खेलने वाली थी। तो मैंने अपनी बॉलिंग करवाई वहाँ पे, अटैक किया मैंने, और मुझे याद है मैंने 10 ओवर्स का स्पेल करवाया था और मैंने 3 विकेट्स लिए थे बाय गिविंग जस्ट 30-35 रन्स। तो आप जब भी इंग्लैंड में मैचेस खेलते हो तो वो लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, और वो एक क्लब का ग्राउंड था तो मेंबर्स भी थे वहाँ पे, वहाँ के लोकल प्लेयर्स भी आए हुए थे। तो मुझे अभी भी याद है जब मैंने अपना स्पेल कंप्लीट किया, मैं अपनी कैप ले रही थी एम्पायर से, तो पूरे ग्राउंड ने लाइक काफ़ी अप्रिशिएट किया, दे वर क्लैपिंग के व्हाट अ स्पेल। तो अल्हम्दुलिल्लाह। And now you're the fastest bowler, female bowler in Pakistan, right? That's amazing. और जो लोग आपको बुली करते थे वही लड़के जो गली में मजाक उड़ाते थे कि तुम्हें तो अंदर बंद कर दिया, अब तुम्हें तो इजाज़त नहीं है, तो उनका एटीट्यूड चेंज हुआ? आपकी मुलाकात होती है उन लोगों से? बिल्कुल, उनसे ऑन एंड ऑफ मुलाकात होती रहती है। तो जब भी मिलते हैं बोलते हैं महम प्लीज़ पाकिस्तान की वो प्रैक्टिस शर्ट दे देना, या एक बैट दे देना, या कभी हमारे साथ भी क्रिकेट खेलो और घर पे आ जाओ मिलने के लिए, लाइक मिलना चाहती है फैमिली दोस्त वगैरह, क्योंकि वो तुम्हारे मैचेस देखते हैं। तो अब इस तरह की बातें होती हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। अब आप उन सबको ऑटोग्राफ्स देती हैं? बिल्कुल।